सीबीआई के आदेश का पालन करने के लिए एक पीड़ित महिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची। यहां उसने एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने पुलिस द्वारा न्यायालय के आदेश का पालन कराए जाने की मांग की है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर हाथों में प्रार्थना पत्र लेकर मौजूद यही वह पीड़ित महिला है जिसका नाम आरती शुक्ला, पत्नी संजीव शुक्ला, निवासी मोहल्ला मिश्राना, थाना कोतवाली है। पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर एक शिकायती पत्र दिया है जिसमें उसने बताया है कि शीतला देवी मंदिर की वह मालिक है और काबिज बढ़कर सर्वाकार अपने पिता के समय से चली आ रही है। इस संबंध में उसने माननीय सिविल जज प्रवर बर के यहाँ बात भी दायर कर रखा है। उसने अपने प्रतिवादी मुद्दे दीक्षित और अन्य लोगों के खिलाफ 2 नवम्बर को आदेश भी कर लिया जिसकी प्रति उसने प्रार्थना पत्र में संलग्न की है। उसने आरोप लगाया है कि 2 नवंबर वर्ष 2023 के दिन माननीय न्यायालय के आदेश की जानकारी होने पर मोदी दीक्षित पुत्र सुरेंद्र दीक्षित निवासी गोपाल नगर, कमलेश राम नरेश अवधेश पुतगढ़ शिवराम तथा विपिन मनोज मुकेश पुतगढ़ राम प्रकाश निवासीगढ़ सूली ने एक राय होकर राजेंद्र पुत्र राम सनेही भोलू पुत्र राजेंद्र ने मंदिर पर रखे दान पात्र से दान का समस्त रुपया निकाल लिया और जबरदस्ती पीड़ित के पहले से लगे तालों के ऊपर अपना ताला लगा दिया। पीड़िता ने जब इस बात का विरोध किया तो पिता के साथ उक्त लोगों ने एक राय होकर मारपीट की और मंदिर प्रगति से भगा दिया। पिता ने थाना कोतवाली पर लिखित शिकायत दी लेकिन यहां उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई जिसके बाद वह अब न्यायालय के आदेश का पालन करने के लिए पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुँची। यहाँ पीड़ित महिला ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र दिया है, वहीं क्या कुछ बताया है यह जरा आप भी सुनिए। आज आप एसपी साहब के यहाँ शिकायत करने आई हैं, क्या है पूरा मामला? कौन लोग है? कौन लोग है? मुझे दीजिए। और कोर्ट से क्या आदेश आपको क्या कोर्ट से हम जीत चुके हैं, पुलिस का भी आदेश हमारा था, उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं। तो इसलिए आपको धमकी दी दी जा रही है? सर आपके बच्चे उठवा लेंगे, कभी मार पीट नहीं चाहते। कहाँ की निवासी हो आप? मौलम मिश्राना। मिश्राना की थाना कौन? कोतवाली।